आनंद। क्या है प्रसाद में? हलवा है, और क्या रहेगा? क्या हलवा है? बाबा का पुण्य प्रसाद हलवा है। हलवा है जी, बागेश्वर कृपा है, प्रसाद चल रहा है, फिर सेवा। हाँ बोल, लोग है हिंदू लेकिन लोग सोया हुआ है, तो उस लोगों को जगाने का काम बाबा के माध्यम से हो रहा है। और टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, इसके पहले नारद भगवान आकर के 1 सेकंड में खड़ा होते थे या 2 सेकंड में चले जाते थे, वो भी तो टेक्नोलॉजी था ना, तो वो टेक्नोलॉजी तो दैविक टेक्नोलॉजी। और बाबा जिस प्रकार से बोल रहे हैं, बाबा का बात मानेंगे हम, ये बनेगा हिंदू राष्ट्र, नो कास्ट ओनली हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। प्रेम से बोले बागेश्वर बाबा की, पंडित नरेंद्र शास्त्री महाराज की, वीर मरंगबली की। बाबा का प्रसाद लेने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं बाबा का प्रसाद यहाँ पे बटा रहा है। ठीक है, तो जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से बाबा का प्रसाद लेके उनको कैसा लग रहा है। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और बाबा का प्रसाद ले रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? निर्मंधु आनंद। क्या है प्रसाद में? हलवा है, और क्या रहेगा? क्या हलवा है? बाबा का पूर्ण प्रसाद हलवा है। हलवा है जी। कैसा लग रहा है? अभी तो खाने में, खा के देखते हैं। खा के देखते हैं जी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं, यहाँ देख सकते हैं। क्या नाम हुआ भैया? हेलो हेलो भैया, भैया क्या नाम हुआ? मकुंद। कहाँ से आए हैं? खगड़िया जिला। क्या ले रहे हैं? प्रसाद ले रहे हैं। बाबा का? बाबा का। क्या है प्रसाद में? हलवा है। हलवा है? हाँ। खगड़िया जिला से आए हैं? खगड़िया जिला से आए हैं। अच्छा, प्रसाद पाने से क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है, आशीर्वाद यही है? आशीर्वाद यही है। अच्छा चलिए ठीक है, बाबा का प्रसाद है। क्या नाम हुआ आपका? नरेश रावत। क्या है, काहे खड़ा है यार? प्रसाद के लिए है, बाबा से दर्शन के लिए। प्रसाद के लिए? तो बहुत भीड़ लगा हुआ है। प्रसाद तो भीड़ के लिए पाना पड़ता है ना, क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो प्रसाद खा के ही जाइएगा? जी जी, प्रसाद खा के जाएंगे, बाबा का प्रसाद खाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर आप देख सकते हैं प्रसाद, पूरा भीड़ लगा हुआ है, लोगों का पूरा भीड़। भैया भैया मांगना उन्हें, क्या बटा रहा भैया? उधर उधर हेलो भैया, तो इधर देख सकते हैं प्रसाद के लिए कुछ बताइए भैया। हाँ बोलिए, बागेश्वर कृपा है, प्रसाद चल रहा है, फिर सेवा। हाँ बोलिए, फ्री सेवा? हाँ फ्री सेवा, पर एती नहीं है बागेश्वर एती है, मेहरबानी है, बहुत अच्छा है, चल रहा है। हाँ, लोगों का कहना है कि इसी में आशीर्वाद होता है। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग को नहीं खिलाएगा? कहे नहीं खिलाएंगे? पिछुआ गया, क्या चीज का प्रसाद बना हुआ है? हलवा का है, हलवा डेली बटाता है? हलवा डेली बटाता है? नहीं नहीं, आज बताया है और फिर कल भी बताएगा, खींच भी बताएगा। धान आने में से ना हम लोग बाबा को दर्शन कर लिए, बहुत बहुत एकदम खुश है। हम लोग तो दर्शन हो पाएगा, भाग 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 के आए हैं, भाग भाग कर, मतलब समय कम बच गया था, दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, स्मरण में पड़े हुए थे। सीतामढ़ी जिला, बाबा पर ध्यान रखे हैं, बाबा पर ध्यान रखे हैं और श्रद्धा पूर्वक ध्यान रखे हैं, तो दौड़ के गाड़ी लगाए हैं, कूद के आए हैं और 15 से 20 मिनट मुश्किल से हमको उनकी भजन और अपने आप को धन हो गया कि हे प्रभु कि अब भी कभी भी उनका अगर आगमन होगी तो वहाँ हमें जरूर बुलाना। हम लोग का दर्शन हो गया ना, हम लोग बहुत खुश है, भगवान से हम लोग दूर से आए हुए श्रद्धालु इतना ही कहते हैं नौबतपुर के ग्राम वासियों से, जो यहाँ का बहुत बहुत नौजवान का धन्यवाद करते हैं, जो इतना शांति पूर्वक बना करके बाबा को आश्रम में कार्यक्रम का सफल बना रहे हैं। धरती हो गया, चलिए हमारे बिहार का ये गौरव का धरती हो गया। हम लोग को बिहार में बाबा के आने से हम लोग को गर्व महसूस हो गया। सबसे पहले जय श्री राम सभी को, और
इतिहास हो गया ये त्रेता पाली में जी। क्या इतिहास हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसको कोई जानता नहीं था, जानता नहीं था नौबतपुर को जी। बाबा छा गए थे, स्थल भी छा गया जी। और बाबा जिस प्रकार से बोल रहे हैं, बाबा का बात मानेंगे हम, ये बनेगा हिंदू राष्ट्र, नो कास्ट, ओनली हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। और प्रेम से बोले बागेश्वर बाबा की, पंडित नरेंद्र शास्त्री महाराज की, वीर बरंग बलि की, धाम की। तो जब से बाबा यहाँ पे आए हैं, बता, जब से बाबा यहाँ पे आए हैं, मतलब लोगों में उत्साह गया है और लोगों में एक जोश भर गया है, ठीक है। तो काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं बाबा से मिलने के लिए, और बाबा को एक झलक पाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं ये लोग, और काफी ज्यादा मेहनत। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश पाठक। क्यों आए हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का सुनने के लिए आए हैं। कथा सुनने के लिए? कथा सुनने के लिए। अर्जी लगाए कितने? लगाए हैं अर्जी। लगाए हैं कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रसाद यहाँ पे खा रहे हैं? बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबा का प्रसाद में अमृत सा महसूस हो रहा है। हाँ। बाबा का प्रसाद जब पाते हैं तो अमृत सा महसूस हो रहा है। हाँ। ये अमृत, अमृत का प्रसाद की जैसा, अमृत की जैसा फील हो रहा है अंदर। हाँ। अपने अपने आप में। चलिए ठीक है। उम्र के हम लोग भाग भाग के प्रसादी लेने के लिए हम आए हैं वहाँ से। चलिए ठीक है। हमारा नाम है राम इकबाल उपाध्याय, हम उड़ीसा से आए हुए हैं। उड़ीसा से? हाँ, उड़ीसा से आए हैं। हम टीवी में बहुत देख रहे थे बाबा को, हमको इनका प्रवचन कथा वगैरह सब कुछ पसंद लग रहा था। बाबा का जो भाषा है वो लोगों के दिल में उतरता है, और बाबा पूरे हिंदी राष्ट्र को कायम करने के लिए सब जगह घूम घूम करके लोगों के मन को जगाते हैं। लोग है हिंदू लेकिन लोग सोया हुआ है, तो उस लोगों को जगाने का काम बाबा के माध्यम से हो रहा है। और लोग जो बोल रहा है कि शक्ति नहीं होती है, तो शक्ति आज जो बोल रहा है शक्ति नहीं होती है, वो कभी भागवत महाभारत पुराण कथा, वो अपने माँ बाप दादा नाना का कथा भी कभी नहीं सुना है। अगर सुना रहता ना तो वो सब जानता कि इसके पहले जो इस टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, इसके पहले नारद भगवान आकर के एक सेकंड में खड़ा होते थे या दो सेकंड में चले जाते थे, वो भी तो टेक्नोलॉजी था ना। तो वो टेक्नोलॉजी था दैविक टेक्नोलॉजी, तो वो आजकल का जो लोग है ना, ये नहीं अभी के ओरिजिनल टेक्नोलॉजी का जानता है, नहीं दैवी टेक्नोलॉजी का जानता है। इसके लिए यहाँ पर बवाल मचे रहता है, तो इसके लिए सब किसी को एक साथ होकर के जय जय श्री राम करना है, और राम का मंत्र जपना है, हनुमान को जपना है, सब काम सिद्ध हो जाता है हर इंसान का। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे नौबतपुर में आया था और आप लोग को दिखा रहा था, कई दिनों से मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो लोगों में बहुत सारा उत्साह है, जब से बाबा यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोगों को कथा सुनाए हैं, तो लोग में बहुत उत्साह गया है, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे मिलने के लिए बाबा से आए थे। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।